दोस्तों, कई दशक तक जिस कार ने लोगों के दिलों पर राज किया, जो कार अब इमोशंस का हिस्सा बन चुकी थी, मारुति ने उस लेजेंड कार को डिसकंटिन्यू कर दिया है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी एल्टो 800 की। मारुति ने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया है, अब एल्टो 800 की जगह एल्टो K10 ने ले ली है। वैसे देखा जाए तो एल्टो 800 अब एक आउटडेटेड कार हो चुकी थी, जिसे नई लाइफ की ज़रूरत थी, पर मारुति ने इसे नई लाइफ ना देकर इसे बंद करना ही बेहतर समझा। एल्टो K10 नए लुक्स के साथ लेकिन पुरानी एल्टो की लेगेसी को लेकर धमाल कर रही है, क्योंकि एक तो अच्छे लुक्स हैं इस गाड़ी में, दूसरा अच्छे फीचर्स भी मिल जाते हैं एल्टो K10 में। और एल्टो 800 में 800 सीसी का इंजन आता था जो कम पावर निकालता था, और CNG में तो ये इंजन और भी कम पावर निकालता था, लगभग 48 BHP की, तो ये काफ़ी अंडर पावर कार हो जाती थी। नई एल्टो K10 में 1000 CC का इंजन मिलता है जो लगभग 65 BHP की पावर निकालता है, जो कि एल्टो 800 से कहीं ज़्यादा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो मारुति का एल्टो 800 को डिसकंटिन्यू करने का डिसीजन ठीक है, लेकिन एल्टो 800 एक लेजेंड कार थी, इसका एटलीस्ट एक वेरिएंट तो रखना ही चाहिए था ऑन सेल, ताकि जो लोग इसके चाहने वाले हैं उनको भी एक अच्छी फीलिंग बनी रहे, अपनी सी फीलिंग उनको मिलती रहे, जैसा कि हमने महिंद्रा के साथ देखा। महिंद्रा ने स्कॉर्पियो N के लॉन्च होने के बाद भी स्कॉर्पियो क्लासिक को डिसकंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि लोगों के अंदर स्कॉर्पियो क्लासिक को लेकर एक फीलिंग्स थी और इस गाड़ी की डिमांड भी अच्छी खासी थी। तो महिंद्रा ने स्कॉर्पियो के साथ जो फीलिंग लोगों की अटैच थी उसके साथ खेलना सही नहीं समझा, इसलिए उन्होंने क्लासिक को कंटिन्यू रखा, डिसकंटिन्यू नहीं किया। वही काम मारुति को भी करना चाहिए था कि एल्टो 800 का एटलीस्ट एक वेरिएंट तो उन्हें रखना ही चाहिए था, ताकि लोगों की फीलिंग्स इससे अटैच रहें। बाकी आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।